चलो यार खाना डालें इनको हम। ये थोड़ा थोड़ा आ जा भाई। चलो यार इसको रखते हैं यहाँ पर। और आ जाओ भाई ब्राउनी, तुम्हारी बारी, आ जाओ। ओड़े 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 ब्राउनी, माशाल्लाह भाई ब्राउनी बहुत तेज हो गया यार। इसकी गर्दन सेट नहीं होके दे रही यार दोस्तों, इसकी गर्दन बहुत ख़राब हुई हुई है। देखो बिल्कुल भी सेट होके नहीं दे रही है, ये कूद भी नहीं पाती है ऊंचाई से, ये देखें। और घूमती रहेगी ब्राउनी जब तक नहीं खा लेगा ना, जब तक इसको चैन नहीं आता। पहले ब्राउनी को खिलाएगी फिर खुद खाती है हमारी वाली मुर्गी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो यार मेरे पीछे तुम लोगों ने हल्की फुल्की झलक तो देख ही ली होगी हमारे पूरे के पूरे सेटअप की कि कैसा हो गया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से दोस्तों हमारा सेटअप फुल जैसे पहले था ना खूबसूरत, बिल्कुल वैसा ही हो गया तरपाल लगने के बाद। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ था ही नहीं ख़राब हमारे सेटअप में। खैर से फुरकान आ जाए फिर उसको मैं मोबाइल पकड़ा के आप लोगों को सेटअप दिखाता हूँ और परिंदों को दिखाता हूँ। और हमें कितनी जगह खुली मिली है यार वो देखो तुम लोग, इतना मज़ा आ रहा है सेटअप पे कि क्या बताऊँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, एक जो फील होता है ना कि अच्छी फीलिंग आना, एक वो आ रही है सेटअप से। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेटअप लग रहा है। तो यार ये जो है ना आ गया है, ये देखें ये खड़ा बावला आदमी, मैं इसका इतनी देर से वेट कर रहा हूँ वहाँ पे खड़े हुए, और पिछले 10 मिनट से मुझे पागल बना के रखा हुआ। तालियों की आवाज़ें आ रही है मुझे पट पट यहाँ से। अब मैं सोच रहा हूँ यार तालियाँ कौन बजा रहा है, कौन बजा रहा है, पागलों की तरह बजा रहा है बावला तालियाँ, और 10 मिनट जाया करा दिए खड़े खड़े। कब से वेट कर रहा हूँ पता है मैं, अब हंस रहा है यहाँ पे और यहाँ पे छुप के मुझे डरा रहा। अच्छा मैं थोड़ा सा वो हुआ जब तुम मेरे को ना वो हो गया था लाम मिलना यार थोड़ा सा ना, ये तालियाँ बजा कौन रहा है, पट पट आवाज़ें आ रही हैं, सुधर जाए यार। खैर आओ यार पहले सेटअप दिखाएं इनको पूरा सही से। तो यार मैं अब तुम लोगों को सेटअप दिखाता हूँ, ये भी आ गया तो उसको मोबाइल देता हूँ और तुम लोगों को क्लियर सेटअप दिखाते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। तो यार दोस्तों अब तुम लोग सेटअप को देखो कि कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा मैंने इसको ऊपर ऊँचाई पर खड़ा करा हुआ, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है यार माशाल्लाह से। नहीं फुरकान, आप लोगों को भी जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था कि यार आप सेटअप सेट कर लो, सेटअप सेट कर लो, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा आपके सर पे आ रहा होता, वाकई में मुझे भी बहुत बुरा लगता था वो सर पे लटकना उसका, इसकी झाड़ियाँ जो निकली हुई थी अजीब टाइप की वो सर पे लगना, कितना अपन को डिस्टर्बेंस होती थी यार, हमें इतनी डिस्टर्बेंस होती थी इनको दाना पानी करने में भी। 10 मरतबा तो मेरे हाथ से पानी गिरा है पैंट पे, कभी शर्ट पे, नहीं सारा ख़राब हो जाता था। तो मुझे बहुत इससे मदद मिली है ये सारा लगा के, और देखें कितना सुकून और कितना प्यारा लग रहा है। अब ये देखो तुम लोग, अब हम लोग दोस्तों अंदर चल फिर भी है ना तो हमारे सर पे वो नहीं आ रहा, नीचे कोई दबाव नहीं है, वरना हमें रहता था कि यार सर पे लग रहा है, सर पे लग रहा नहीं। अब सुकून से है हम लोग आराम से, इसकी हाइट भी यहाँ से भी सेट आया ही है। और एक चीज मैं दिखाऊँ, बस थोड़ा सा ना 19-20 का जो फर्क आया है वो ये आया दोस्तों इस सरपाल में कि ये थोड़ा सा ना दूर से ही आपको दिखेगा, ये देखें गैप आ रहा है, बहुत मामूली सा गैप आया है, पानी आएगा बिना तो छज्जे पे गिरेगा उस वाले पे, लेकिन हल्का फुल्का मामूली सा गैप है, उसकी खैर है। जो हमें बारिश का मेन मसला था ना पूरी जगह का, वो शुक्र है अल्लाह का कि वो सेट हो गया, इसको हम अभी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पिंजरों पर पानी नहीं आएगा इतना इंशाल्लाह। बाकी ये सेटअप आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे परिंदे जो हैं वो भी खुश हो गए और अच्छे खासे चहचहा रहे हैं इनको, क्योंकि यार इनको भी ना परेशानी हुई हुई थी, धूप इन पर बहुत तेज़ लग रही थी जब तरपाल सही नहीं बन रहा था। आगे जो हमने सोचा हुआ यार सेटअप एक और इसी के साथ, इसी के नीचे एक और चीज़ हम ला के बांध देंगे, वो जब मैं लाऊँगा तभी तुम लोगों को दिखाऊँगा, तो उस वक्त थोड़ा सा इंतज़ार करें। जैसे ही हम लाते हैं इंशाल्लाह वो इसके साथ तरपाल के साथ बांध देंगे, फिर हमारा ये जो सेटअप है ना ये पक्का हो जाएगा बिल्कुल। आ जाओ भाई। तो यार आज हम खोल रहे हैं असील को पहले, क्योंकि यार असील जो है ना हमारा वो फिर खाने में ना थोड़ा बहुत वो करता है हिचकिचाहट आखिर में, वो ना खाता कम है और इन लोगों के पीछे पड़ जाता है, हमारे मुर्गों के पीछे बेचारों के सेबराइड वगैरह से लड़ने के चक्कर में लगा रहता है बस, तो इस वजह से आज हमने असील को पहले खोल लिया। और माशाल्लाह यार देखें बताएं कमेंट में इसका साइज़ बड़ा है ना माशाल्लाह से। अरे पानी पीने चले जाते हो यार, दाना तो खा लो पहले, सारा खाना छोड़ देते हो पहले पानी के पीछे। हाँ ये माशाल्लाह, चलो खाओ खाना, सुन रहा है भाई हमारी। तो यार हमारा जो दुम्बा है ना ब्लैक, वो देखें दोस्तों ब्लैक और बबलू, तो वो देखें ये खड़ा हुआ देख लो ब्लैको, ये देखें मुर्गा भी खोला हुआ इसी के साथ, और दूसरे वाला मुर्गा भी यहीं कहीं घूम रहा होगा, कहाँ गया वो प्लाट पर होगा, तो वो ना अभी भाई नीचे खोल के खड़े हो गए। वैसे ना मैं अब मुर्गे नीचे खोल देता हूँ ताकि वो खाते पीते रहें, छत पे होते हैं तो हम नज़र रखते हैं हर वक्त कि कोई लेना जाए, कोई अगर लेने आएगा जाहिर सी बात है हम छत से आवाज़ मारेंगे तो भाग जाएगा। तो इस वजह से दुम्बे को तो मैं नहीं खोलता ऐसे, पर मुर्गों को खोल देता हूँ अब।
दुम्बा जो है वो भाई खोल के खड़े में वो खड़े हुए, तो इस वजह से अभी भाई खड़े हुए इधर। तो यार कल जो हमने बिल्ली का बच्चा दोस्तों यहाँ पे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर समझ नहीं आया उसकी मिस्ट्री क्या है यार, वो कहाँ गया, किसने उठाया है, मार दिया है किसी बिल्ले ने या फिर खुद चला गया है कहीं, ये अल्लाह ना करे। मुझे तो यार इस गटर के चांसेस लग रहे हैं 90%, मुझे लग रहा है वो इस गटर के अंदर गिर गया है, क्योंकि हाँ ना वो टेढ़ा भी हो रहा है और वो पता नहीं अंदर गया है। तो आप लोगों को पता दोस्तों गहरा ही है गटर अच्छा खासा, वो बच्चा बहुत छोटा था, अंदर गया होगा तो निकल गया होगा, पानी के दबाव से वो आगे पीछे चला गया होगा। तो बाकी पूरे का पूरा मैंने प्लॉट तक छान मारा, पूरा जितना बड़ा प्लॉट है ना ये फुल प्लॉट छान मारा था हमने, दिख रहा है आप लोगों को सारी झाड़ियाँ वाड़ियाँ जो रखी हुई है, सारी झाड़ियाँ एक एक चीज छान मारी पर वो मिला नहीं। ए, ये दो पता नहीं कहाँ से यार इसके मुंह में पड़ गया, ऊपर मत चढ़ने देना, ऊपर मत चढ़ने देना, इधर लिया इधर लिया इधर लिया, कोने से इधर लिया, आ गया ये देखो पता नहीं कहाँ से छीचड़ा लेकर आई है, ये छीचड़ा है और क्या है बूटी का। तो यार अब जो हमारा काम है ना, ये काम मेन था पहले तरपाल का, ये तो खत्म हो गया दोस्तों। अब जो हमारा काम है वो है चुलबुल के लिए चुलबुली लाना, हमारी जो डव है उसके लिए एक फीमेल डव लानी है हमने। और इसके अलावा यार हमारे पास दो काम और अटके हुए हैं, वो ये है कि हमने इसके साथ की पार्टनर लेकर आनी है एक, और एक जो सेब्राइट है इसके साथ का पार्टनर लाना है। तो इन तीनों के पार्टनर यार लेकर आने और तीनों के फीमेल आएंगे। बाकी यार ये जो कबूतर है ना इनको मैं सेल आउट करूंगा जल्द अज जल्द, हमजा फ्री नहीं हो पा रहा क्योंकि यार मैं अकेले नहीं जाना चाह रहा, और हमजा फ्री हो क्योंकि इसके बारे में कबूतर के बारे में उसको बहुत जान पहचान है, तो उसी को मैं लेके जाऊंगा ताकि वो समझ बूझ के इन्हें बिकवा के और दूसरे कबूतर हम लेकर आएंगे यहीं रखने के लिए, लेके मैं लाजमी आऊंगा दूसरा पेयर। अगर यार ये हाथ में नहीं आता, बहुत चुलबुला किस्म का है ये, जो क्या नाम है मिंटू, अबे मिंटू अंदर चला गया यार, वो तेरे खाने में चली गई, तो नीचे बात की। ओए मिंटू इधर आ जा, ये आ गया, इतना शरीर है ना ये दोनों, इतने शरारत करते हैं, हाथ में नहीं आते, पता नहीं इनको मैं खा रहा हूँ, ये देखो क्यों चीख रहे हो। अच्छा ये मुझे ना यार दोस्तों कभी कभी मुर्गी लगती है और वो मुर्गा, अब देखते हैं बड़े हो के इन दोनों में से जेंडर किसका हो सकता है, बदल जाए भाई कुछ भी नहीं पता, इसका जेंडर क्या हो उसका क्या हो सकता है, वो भी फीमेल हो ये भी फीमेल हो, देखते हैं। तो यार मौसम तो ऐसा बदला है दोस्तों कि समझ ही नहीं आ रहा मेरे, अभी जब तक हमारा तरपाल नहीं लग रहा था तब तक आप देखते बारिश इतनी ऐसे लग रही थी जैसे सर पे खड़ी हुई है, जहाँ कहीं तरपाल लग गया है पता नहीं कहाँ पे चला गया है बादल, और क्या हो गया ऐसे डराते हो यार तुम, पीछे आके ऐसे खड़ा हो जाएगा हर मर्तबा इस इंसान के ऊपर, मुझे कोई इतनी तप चढ़ी हुई है ना भाइयों, क्यों तुमने कहा था ये तरपाल रहेगा कोई बारिश होगी तूफानी हुई, भाइयों दोस्तों गर्मी ऐसी हो रही है कोई पिछले 4-5 दिन से जब ये तरपाल नहीं था ना फिर सही था, ये रखते ही गर्मी हो रही ऐसी, कल तो तरपाल लगा 4-5 दिन तुमने फैलवा दिए खामा खाई, कल तो तरपाल लगा 4-5 दिन से फैल रहा भाई, कल लगा आज एक दिन देखते हैं, कल आप लोग भी देख लीजिएगा तुम भी देख लेना ठीक है, कल बादल आएंगे शदीद किस्म के और बारिश इंशाल्लाह होगी। तो दोस्तों हमने जो है पूरे सेटअप को खिला पिला के पूरा बंद कर दिया है, और तुम क्या समझे तुम फिर डरा लोगे नीचे हो गया ऐसे बार बार नहीं हो रही ठीक है, खैर से तो सबको खिला दिया भाई, बाकी अब यार मगरिब की अजानें शुरू हो गई हैं और आजकल ना हमारे को मगरिब हो जाती है बंद करते 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 सेटअप, क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं और टाइम जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है ना इस वजह से। खैर से दोस्तों तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय। और बाकी कमेंट में ज़रूर बताना यार तुम लोगों को सेटअप कैसा लगा हमारा।